जिसमें रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली वेलकम टू माय चैनल आज की वीडियो में हम आपको क्यूर से क्रोशिया फ़िश की रिंग बनाना बताएंगे उसके लिए आपको एक चैन रिंग चाहिए नीडल्स चाहिए और एक थ्रेड को कट करने के लिए सीजर कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो टू पॉइंट फाइव एम एम हुक है फैमिली कलर आप ले सकते हो या फिर कलर कंट्रास्ट से भी आप इसको बना सकते हो दो फिंगर्स पे तिरछे हमने थ्रेड को रैप कर लेना है अब फर्स्ट फर्स्ट थ्रेड के नीचे से हमें क्रोशा डाल के सेकेंड थ्रेड को निकाल के एक चेन बना लेंगे इस तरीके से आप दोनों फिंगर्स में से थ्रेड को निकाल देंगे हमारी मैजिक रिंग तैयार हो चुकी है अब हमें थोड़ा सा थ्रेड को खींचते हुए क्रोशा के ऊपर बल लगा के अपनी जो मैजिक रिंग है इसमें फोर टाइम में अपने लुक्स लेंगे लंबाई के शेप में आपको फोर टाइम लूप्स लेनी है अब सारे लूप्स आप एक ही बार क्रोशा में इस तरीके से ओवर कर लीजिए अगेन हमें रिपीट फोर टाइम में अपने लूप्स लेनी है वन टू थ्री एंड फोर फोर टाइम में लेने के बाद अब सारे लूप्स एक ही बार आपने ओवर करनी है और इसको बंद कर लेना है अगेन हमें अपना डिज़ाइन बनाना है एक बार हो गया दो बार तीन बार और लास्ट में ये चार बार चार बार में हमने अपने लुप्स लिए अब सारे लुप्स एक ही बार अपने क्रोशो में निकाल के इसको बंद कर लेना है इस तरीके से ओके सेम तरीके से बनाते हुए इसमें टोटल हम बारह अपनी जो पफ के डिज़ाइन है वो बना लेंगे ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व टोटल हमने इसमें ट्वेल्व अपनी जो पफ के डिज़ाइन है वो बना के मैजिक रिंग में कंप्लीट कर लिए हैं अब मैजिक रिंग के थ्रेड को आपने हल्के हाथ से अच्छे से खींचना है ज़्यादा टाइट हाथ नहीं रखना हो सकता है आपका थ्रेड टूट जाए तो फिर डिज़ाइन ख़राब हो सकता है ओके अब फर्स्ट वाले स्टिच में डाल के हम स्लिप से इसको प्रॉपर लॉक कर लेंगे और फिर बैक साइड पे जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है मैजिक रिंग वाला इसे हम अच्छे से बीच में सिक्योर करके इसको कट कर देंगे सेम तरीके के हमें दो पीसेस बना लेनी है एक पीस हमने आपको बना के दिखाया है एक पीस हमने ऑलरेडी बना लिया है अब दोनों पीसेस को आपने किस तरीके से रखना है देखिए बैक साइड जो है दोनों की वो अंदर की साइड होनी चाहिए और जो फ्रंट साइड है दोनों की वो बाहर की साइड पे होनी चाहिए ठीक है यानी कि सीधी साइड हमारी बाहर रहेगी और जो उल्टी साइड है वो अंदर की साइड हो जाएगी अब हमें क्या करना है दोनों साइड के लुप्स में से क्रोशा को डालना है और पीछे वाले थ्रेड को लेके हमारे पास दो लूप्स हो जाएंगे यानी कि हमें सिंगल क्रोशिया से इस दो पीसेस को ज्वाइन करना है अगेन हमें नेक्स्ट स्टिच में डालना है दोनों साइड पे आपने इस तरीके से क्रोशिया को डालना है ताकि दोनों जो पीसेस हैं वो सिंगल क्रोशिया से अच्छे से ज्वाइन होते जाएं। फ्रेंड्स हम हमेशा कोशिश करते हैं यूनिक आपको पैटर्न जो है वो बनाना बताएं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करें और प्यारे से कमेंट के थ्रू हमें बताया करें कि आपको हमारे समझाने का तरीका कैसा लगता है और हमारे डिज़ाइन आपको कितना अच्छे लगते हैं ठीक है इसको पूरा सिंगल क्रोशिया से बनाने के बाद लास्ट में हमने स्लिप स्टिच इस से इसको बंद करने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड कट करके पीछे की ओर आपने अच्छे से इसको क्रोशिया की मदद से सिक्योर कर लेना है यहाँ तक अब हमें डार्क ब्लू कलर से इसकी ऊपर की जो साइड है वो बनानी है पहले हम थ्रेड को स्लिप नोट लगा लेंगे ये राउंड है किसी भी स्टिच में आप डाल सकते हो इस बात का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है जो हमारी राइट साइड है सेम उसी साइड से हमें अपने वर्क को बनाना स्टार्ट करना है अब हमें काउंट करके फोर चेन लेनी है वन टू थ्री एंड फोर फोर चेन लेने के बाद टू टाइम हमें थ्रेड को के ऊपर रैप करके सेम स्टिच में डालना है पहले फर्स्ट वाले लूप्स में से हम थ्रेड को निकालेंगे पीछे वाले थ्रेड को इस तरीके से इसके बाद दो दो करते हुए हमें तीन बार में अपने जो लूप्स हैं वो ओवर करनी है ये दो बार तीन बार हो गए और लास्ट में ये चार बार यानी कि हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे पहले फिर वन टू थ्री थ्री चेन लेंगे और देखें ये वाले जो ऊपर की साइड के आपको स्टिच दिख रहे हैं इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया से इन थ्री चेन को हम लॉक करेंगे अब आपको जी गैप दिख रहा है इसमें हमें अपने वर्क को बनाना है लंबाई की शेप में लुप्स लेंगे फर्स्ट वाला लुप्स बना लिया दो बार तीन बार चार पाँच सात एंड आठ ठीक है टोटल हमने एट लूप्स लिए हैं इस आ, सर्कल में अब सारे लूप्स एक ही बार आपने क्रोशिया में निकाल के इसको बंद कर लेना है फिर इसके ऊपर वन टू थ्री थ्री चेन लगाएंगे। बंद करने के बाद और सेम स्टिच में इन थ्री चेन को आपने स्लिप स्टिच से इस तरीके से लॉक करना है ओके okay. uh, अब हमें एक चेन लगा के देखें जैसे हमने फर्स्ट साइड से फोर चेन ली है ना सेम तरीके से हम सेकंड साइड पे भी फ़ोर चेन लेंगे फोर चेन लेने के बाद टू टाइम हमने थ्रेड को क्रोशिया के ऊपर रैप करके सेम स्टिच में डाल के ट्रिपल क्रोशिया बनाना है uh, फिर ट्रिपल क्रोशिया जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऊपर की साइड हमें थ्री चेन लगानी है और देखें यहाँ पे आपको जो स्टिच दिख रहा है ऊपर की साइड सिंगल क्रोशिया से हम लॉक करेंगे इन थ्री चैनस को और जो गैप आपको दिख रहा है इसमें आपने लंबाई की शेप में रिपीट आठ टाइम में अपनी लुप्स लेनी है एट टाइम में हमें अपने लुप्स कंप्लीट किए हैं अब सारे लुप्स एक ही बार आपने ओवर करने के बाद इसको बंद करना है अगेन थ्री चेन लेके सेम स्टिच में डाल के आपने इसको लॉक कर लेना है हमने यहाँ पे फिश टेल कंप्लीट कर लिया है अब इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है तो जितना भी आपके पास स्टिच हैं सब में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए सेंटर तक अपने वर्क को कंप्लीट करना है सेंटर में हम फिश का मौथ बनाना आपको बताएंगे ठीक है तो देखिए ये हमारा पूरा सेंटर बन रहा है अब हमें क्या करना है ऊपर की साइड जो आपको चेन दिख रही है ना हम यहाँ पे डाल के आपको दिखाते हैं ये वाली चेन दिख रही है तो इसमें आपको नहीं बनाना वर्क अब हम नीचे की साइड जो है डालेंगे क्रोशिया मौत बनाने के लिए तो पहले हम सिंगल क्रोशिया पहले बना लेंगे सिंगल क्रोशिया जब हमारा बन जाएगा तो इसके ऊपर हमें दो चेन लगानी है वन टू और सेम स्टिच में डालना है क्रोशिया को और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे दो दो करते हुए दो बार में हम अपनी फंदे ओवर करेंगे जब हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमें फिर से दो चैन लगानी है वन टू टू चैन लेके सेम स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया सॉरी स्लिप स्टिच से इन दो चैन को लॉक करना है स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से फिर हमें वन टू दो चैन लेके सेम स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है जब हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगा आ, अगेन हमें फिर से दो चैन लेनी है और सिंगल क्रो सॉरी स्लिप स्टिचेस को इस तरीके से हम लॉक कर लेंगे इसके बाद आ, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट साइड सिंगल क्रोशिया की बनाई है ऊपर की साइड भी हमें सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना के पूरा कंप्लीट करना है हर स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया का ही जो लूप है वो बनाते हुए इसको पूरा कंप्लीट करेंगे कंप्लीट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं अब हमें फर्स्ट वाले स्टिच के बीच में डाल के इसको स्लिप स्टिच से लॉक करना है फिर एक चैन लगा के हम थ्रेड को कट करके बैक साइड पे एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे ओके okay. अब हमें आ, फिश की आइज बनानी है आंखें बनाएंगे तो वाइट कलर के थ्रेड को आपने स्लिप नोट लगा लेनी है इसके बाद हमें वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फाइव चेन लगानी है थोड़ा पतला थ्रेड आपने लेना है आइज़ के लिए आ, अब हमें फर्स्ट वाले थ्रेड सॉरी फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच से इन फाइव चेन को लो करना है अब देखिए छोटा सा एक सर्कल है फाइव चेन का अब हमें एक चेन लगा के इस सर्कल में क्रोशिया डालना है और सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे अगेन सिंगल क्रोशिया बनाना है तो बहुत सिंपल है आइस बनाना आपने पहले पांच चेन लेनी है फिर पांच चेन को स्लिप स्टिच से बंद करना है फिर इसी पांच चेन के सर्कल में आपको काउंट करके दस सिंगल क्रोशिया के जो लूप हैं वो बना लेनी है तो बहुत ही सिंपल सादा सी हमारी आइस फिश की जो है वो बन जाएंगी अब हमारी फर्स्ट वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच से इसको लॉक करेंगे लॉक करने के बाद एक चेन लगा के थ्रेड को कट कर देना है और पीछे की ओर आपने इसको सिक्योर कर लेना है लास्ट के स्टेप में हम आपको आइस अटैच करना बताएंगे नीडल की मदद से अगर आपके पास गम है तो फिर आप गम की मदद से भी इसको आइस को चिपका सकते हो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है. हम सिंपल से तरीके से नीडल की मदद से आपको आइस को अटैच करना बताती हैं ठीक है थीके? तो पहले आपने ब्लैक कलर के थ्रेड को नीडल में डाल लेना है नोट लगा लेनी है और इसके बाद इस तरीके से आपको जहाँ पे हम आइस को लगाएंगे ना सेम उसी जगह आपको इस तरीके से पहले थ्रेड को निकाल लेना है फिर आइस के सेंटर में से हम थ्रेड को निकालेंगे अब देखें नीडल को आपने इस तरीके से सेंटर में निकालना है थोड़ा सा थ्रेड को नीचे वाले थ्रेड को अटैच करके ही हम थ्रेड को निकालेंगे हम छोटा सा इसमें गोल सर्कल बनाएंगे मोती अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप मोती भी आइस के सेंटर में लगा सकते हो बट हम थ्रेड से मोती बनाना आपको बताएंगे तो थ्री टाइम आपने थ्रेड को क्रोश सॉरी नीडल के ऊपर रैप करना है फिर इस तरीके से घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा फिंगर की मदद से घुमा के जब हम निकालेंगे ना थ्रेड को तो ईजिली इसमें से निकलता चला जाएगा हमारे जो तीन बल हमने नीडल पे लगाए थे फिंगर की मदद से इसे आपने अच्छे से राउंड शेप में कर लेना है इस तरीके से अब हम फिर से सेंटर में आइस के सेंटर में नीडल डाल के सेकेंड साइड की आइस के सेंटर में से निकाल लेंगे इस तरीके से अब इसे भी सेम आइस के सेंटर में हमें थ्रेड का मोती लगाना है तो फिर आप सेंटर में थोड़ा सा थ्रेड को नीचे की साइड सॉरी नीडल को थोड़ा सा नीचे की साइड इस तरीके से टच करते हुए निकालेंगे और फिर सेम हमें थ्री बल लगाने वन टू वन टू थ्री और फिंगर की मदद से इससे पहले आपने गोल घुमाते हुए निकाल लेना है फिर हम इसमें अच्छे से प्रॉपर इसको गोल राउंड शेप में सेट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है आपने अंदर की साइड इसको एडजस्ट करके कट कर देना है और फ्रेंड्स आपको अगर हमारे डिज़ाइन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर किया करें इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है हम और अच्छा काम जो है आप लोगों के लिए लाते रहेंगे इन थ्रेड को कट करने के बाद क्रोशिया की मदद से आपने एक्स्ट्रा थ्रेड को अंदर की साइड कर लेना है तो बहुत ही क्यूट सी हमारी फिश कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसमें रिंग चैन डाल लेंगे तो बहुत ही क्यूट सी हमारी क्रोशिया फिश की रिंग कम्प्लीट हो चुकी है आई होप आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़